ये चंद्रकांत तो गुजराती लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, हिंदी में भी है, उनको वेदांत कहते हैं। चंद्रकांत फिर उन्होंने नाम रख दिया, अर्थात चंद्रमा की कांति वाला वेदांत। अभी वेदांतों को क्या करूंगा, उनमें बहुत मत्था खपा हुआ कहानियां लिखी हुई है। ये चित्र देखो, जगदम्बा है, दो भुजाएं हैं, वो पिता है, वो उनकी बेटी है, उनकी भी दो भुजाएं, परंतु भक्ति मार्ग में उनको बहुत भुजाएं दे दी हैं। ये इतनी भुजाएं क्यों दी हैं? ब्रह्मा की दो भुजाएं, अर्थात एक दूसरे के सहयोगी, फिर दो से चार, चार से आठ। अरे ये तो होगा ना, तेईस अक्टूबर 1963 की वाणी का चौथा पेज। ये सभी बच्चे पैदा होते रहेंगे तो सहयोग करने वाली भुजाएं तो बढ़ेंगी ना। ब्रह्मा के बच्चे, उनकी बाहें ब्रह्मा को दे दी है। फिर उनको और बाहें लगाती जाती हैं। हजार भुजा वाला ब्रह्मा, दिखाते हैं ब्रह्मा की हजार भुजाएं, बहुत भुजाएं देते हैं। कोई आखानी है, आठ भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, सौ भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, हजार भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, ऐसे आखानी छोटेपन में बहुत पढ़ी। फिर धंधे में लग जाते हैं तो फुर्सत कहां। ये सब छोटेपन में बाबा की पढ़ाई थी, सब ग्रंथ वगैरह वगैरह पढ़े, और पिछारी में सिर्फ गीता, बाकी तो ये दंत कथाएं हैं। तो उन्हें पढ़ने की इतनी फुर्सत कहां। हम राजाओं से धन लूटें, धंधा करें, या बैठ करके इन आख्यानियों को पढ़ें। बहुत संत लोग आते थे, आएंगे तो जरूर ना। फिर रात को बैठो, यह करो, ऐसे करो, फिर लीका निकालेंगे, बैठेंगे और बैठ करके क्या क्या करेंगे। अरे भाई मुझे तो नींद आती है, अब मैं ये सब नहीं कर सकता हूं। बहुत से साधु संतों ने बाबा के पिछाड़ी मत्था मारा। अभी देखो ये राजयोग, ऐसे ऐसे राजाई होती है ना, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए जब तुम कहते हो शिव बाबा। तो नाम तो जरूर है शिव बाबा का, अगर सिर्फ परमात्मा कहें तो
उनका कुछ भी रहस्य नहीं निकलता। परमपिता भी ठीक है, क्योंकि दुनिया में जितने भी पिताएं हैं उन सब का पिता है, परंतु उसका पिता कोई नहीं है। मनुष्यों का पिता प्रजापिता है, परंतु प्रजापिता का भी वो पिता है। उससे ऊंच तो पिता कोई भी नहीं, परमात्मा भी ठीक है। आत्मा का तो नाम तो जरूर चाहिए, तो उसका पूरा नाम शिव है। किस आधार पर? अरे नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर पड़ता है। तो उसने जो जो भी काम किए हैं, जिन इंद्रियों से भी जो काम किए हैं, उन कामों का रिजल्ट शिव अर्थात कल्याणकारी ही हुआ है। परंतु शास्त्र वालों ने इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ लिख दिया। क्यों है? शिव अर्थात कल्याणकारी ही कार्य किया, फिर रुद्र माना भयंकर नाम क्यों रख दिया है? अरे अर्जुन ने भी कब समझा है? सारा ज्ञान गीता में सुनाया, क्या समझा? कब समझा? जो बोला करिष्ये वचनम तब, मैं आपके एक एक वचन को पूरा करूंगा। कब बोला? नहीं तो संशय ही पैदा करता रहा, प्रश्नचित्त ही होता रहा। तो अब इसका नाम रुद्र ज्ञान यज्ञ है। आदि में भी रुद्र ज्ञान यज्ञ कैसे है? आदि में भी स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रकट हुई थी। ऐसी विनाश ज्वाला प्रकट हुई थी, ऐसा विकराल रूप धारण किया था कि ब्रह्मा भी सिंध हैदराबाद छोड़ करके अज्ञात स्थान में चले गए थे। जो आदि में सुअंत में भी होता है, ऐसे नहीं है। कृष्ण बच्चा सबको प्यारा लगता है तो कृष्ण ज्ञान यज्ञ है? नहीं, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। जब रौद्र रूप धारण करते हैं तब पता चलता है कि एक एक काम के आधार पर ये शिव है। इनका असली नाम शिव है, कल्याणकारी, और कुछ भी नहीं। इस समय में ये एक ही यज्ञ रचा जाता है, ज्ञान यज्ञ। बाद में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में कोई ज्ञान यज्ञ नहीं होता। ज्ञान यज्ञ एक, रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे पतित दुनिया पावन बनती है। आदि में भी रुद्र ज्ञान यज्ञ था या नहीं था? तो दुनिया पावन बनी क्या?
बनी नहीं बनी तो क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं था? रुद्र ज्ञान यज्ञ से तो दुनिया पावन बनती है। परंतु आदि में पूरा ज्ञान नहीं था, ज्ञान की पूरी बातें नहीं खुली थी। पिछाड़ी में जब यज्ञ पूरा करते हैं तो बहुत आहुति देते हैं, आदि में तो अपने तन मन धन की थोड़ों ने आहुति दी थी। जब पिछाड़ी होगी तो बहुत निकलेंगे जो तन मन धन समय संपर्क और संबंधियों की आहुति देंगे। यज्ञ में दिखाते हैं, जब यज्ञ पूरा होता है तो अंत में जो भी बचा होगा पिछाड़ी में वो सब डाल देते हैं। वो आहुति किसकी कही जाती है? पिछाड़ी की जो यज्ञ की आहुति है, भक्ति मार्ग में कौन से देवता की आहुति कही जाती है? शंकर की आहुति कही जाती है। तो ये है बड़ा भारी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो सब आहुति हो जाते हैं, सब खलास हो जाते हैं। तो ये पुरानी दुनिया की आहुति हो जाती है। अभी ये कोई थोड़े ही समझ सकेंगे। अभी इन बातों को नहीं समझ सकेंगे, अभी नहीं समझेंगे कि काम के आधार पर शिव कहा जाता है। इसके बाद फिर सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं रचा जाता, क्योंकि वहां तो कोई आफत ही नहीं आती। अभी तो ये आफतें बहुत सामने खड़ी हैं। तब बाबा आते हैं, यज्ञ रचते हैं ये सभी आफतें मिटाने के लिए। बाप ने सभी आफतें मिटाने के लिए जो ये यज्ञ रचा, तो भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने भी यज्ञ रचे। फिर ये अथाह अनेक प्रकार के यज्ञ रचे हैं। उन यज्ञों में सबसे अच्छा यज्ञ रचते हैं रुद्र यज्ञ। वो यज्ञ रचते हैं जिसमें ये शिवलिंग बनाते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। शालिग्राम रोज ढेर के ढेर बनाते हैं और रोज उनकी पूजा करके फिर फेंक देते हैं, फिर नई मिट्टी के बनाते हैं। ऐसे करके फिर मेहनत करते रहते हैं। ये वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। अब इसमें क्या धरा है? ये करने में कोई तकलीफ नहीं, यहां तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, अभी बैठे हो बरोबर, यहां कोई तकलीफ है क्या? हम शिव बाबा और दादा, ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना शिव बाबा का है। ये दादा के पास तो ठीकरियां भी नहीं थी,
ये भी जानते हो कि अभी तो बाबा सब बता देते हैं, ठीक बताते हैं ना। मनुष्य तो क्या से क्या कह देते हैं, पुण्य भक्ति मार्ग के मनुष्यों की तो बातें ही छोड़ दो। और फिर शिव बाबा, जिसे तुम जानते हो, हम शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, शिव बाबा से ही लोग लेंगे। फिर कोई कोई बुद्धू हैं, ठीक से समझते नहीं है। ये तो समझने की सहज बातें हैं, खुदा खुद बैठ करके बताते हैं। ये प्रॉपर्टी शिव बाबा की है, ये खुदा शब्द कौन सी भाषा का है? उर्दू भाषा का है। उर्दू भाषा कौन बोलते हैं? मुसलमान। मुसलमान जिसे खुदा कहते हैं, उसे निराकार मानते हैं या साकार मानते हैं? निराकार मानते हैं। तो बाबा कहते हैं वो खुदा खुद आकर के बताते हैं। ये ज्ञान रत्नों की प्रॉपर्टी शिव बाबा की है। परमपिता परमात्मा माना परमात्मा की है। मेरे पास ठीकरियां बजती थी शास्त्रों की। किसने बोला? ब्रह्मा ने बोला। और ये भक्ति मार्ग की ठीकरियां थी। षठ के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो बाप दे रहे हैं, ये ज्ञान मेरे को नहीं था। समझा ना? बिल्कुल नहीं था। दुनिया में कोई भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है। तो ये भला निश्चय बैठना चाहिए ना कि यहाँ परमपिता परमात्मा जिसके पास हम बैठे हैं, वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। तुम कोई भी सत्संग में ऐसे तो नहीं जाकर के कहेंगे कि ईश्वर के बाप दादा के पास हम पौत्र पौत्रियां बैठे हैं। अगर ये किसको निश्चय नहीं है कि शिव बाबा की हम पौत्र पौत्रियां हैं, जो ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं, उसके जैसे के घर में बैठे हैं और सामने हाजिर भी हैं और नजर के सामने नाजिर भी हैं, वो बैठ करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज हमको समझाते हैं, सुनाते हैं, बाद में समझाते भी हैं। अभी अगर किसको ये निश्चय नहीं है और वो अगर यहां बैठा हुआ होगा, तो हम लोग ऐसे तो समझेंगे ना, ये कोई अनाड़ी बैठा हुआ है, ये आकर के स्कूल में ऐसे ही बैठ गया है, यहां की अहम ऑब्जेक्ट ये जानते ही नहीं है, तो क्या बैठ करके सुनेंगे? अच्छा, ओम शांति।
बुधवार का, 23/10/1963 का प्रातः क्लास बंबई में चल रहा था, पेज 5 पर। बात चल रही थी कि जिनको निश्चय नहीं है तो वो अगर यहाँ बैठा हुआ होगा तो हम लोग ऐसे तो समझेंगे ना, ये तो कोई अनाड़ी बैठा हुआ है, ये स्कूल में आकर के बैठा है, जहाँ की अहम ऑब्जेक्ट ये नहीं जानते हैं, वो यहाँ क्या बैठ करके सुनेंगे। ये तो हम साफ बात कहते हैं, यहाँ कौन बैठे हैं? तुम ऐसे कहेंगे ना, हम ईश्वर के घर पर, ईश्वर के दर पर बैठे हैं। अभी तुम घर पर हो एकदम, क्योंकि बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों की आत्माओं को वापस ले जाने के लिए, अर्थात भगवान के पास जाकर के मिलने के लिए, क्योंकि भगवान निराकार है। यहाँ तो नहीं आकर के सभी को निराकार और निराकारी दुनिया बनाए देंगे, नहीं, ये तो आत्माओं को ले जाकर के बाप अपने घर में बिठाएंगे। तो जरूर यहाँ तुम सब बच्चों को शरीर छोड़ना होगा, या तो कहे पूरा देह अभिमान छोड़ना होगा। तो शरीर छोड़ने के लिए बोल देते हैं कि यहाँ तुम्हारी जूतियां एकदम पुरानी तमो प्रधान है, इन सब जूतियों को छोड़ो और अपनी नई जूती को याद करो। अभी जूती नाम कह देते हैं, शरीर को भी तो चोला कहते हैं ना, पुरुष होता है एक पुरानी ज्योति छोड़ी, दूसरी नहीं जाकर ली, स्त्री को ऐसे नहीं कहते हैं। स्त्री भले पुरानी जूती भी मर जावे तो भी नहीं, कभी नहीं लेगी, पुरुष ही लेते हैं। तो बाप यहाँ आकर के बैठ करके समझाते हैं, ये पुराने बूट में बैठे हुए हैं, पुराने शरीर में बैठे हुए हैं, और तुम जानते हो कि ये ब्रह्मा दादा, ये हुआ ना, यानी एक को तो बाबा कहेंगे और एक को दादा कहेंगे। गुजराती में क्या कहते हैं, सिंध में क्या कहते हैं, देखो मैं कितना अच्छा समझाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं, कितना बच्चों को क्लियर करके समझाता हूँ। कैसा भी गधे बुद्धि हो भी तो भी मेरी समझाने से सुधर जावे, गधे की तो बुद्धि समझते हो ना,
कि रावण के 10 शीश के ऊपर गधा बिठाते हैं। वो गधा दिखलाऊं? कहते हैं 100-100 करो श्रृंगार, तब भी खोदरे का बच्चा खोदरा। परंतु ये किसने कहा? शिव बाबा कहते हैं कि जो माया में पहनते रहते हैं, गंदे होते रहते हैं, मैं आकर के इनका इतना श्रृंगार कराता हूं। और फिर देखो क्या करते हैं, ये फिर भी जिग विकारों में जाकर के गिरते हैं। फिर ये बच्चे वो ही गधे के बच्चे बन जाते हैं। गाढ़ के बच्चे तो बनते ही नहीं हैं। बाबा ने कहा था ना कि एक मजिस्ट्रेट था, उनको कहा एक गधे का बच्चा, तो जिसको कहा मजिस्ट्रेट ने एक गधे का बच्चा, बोला हम गधे का बच्चा, तुम गधे का बच्चा नहीं, वास्तव में तो हम गार्ड के बच्चे हैं और तुम भी गार्ड के बच्चे हो। अभी तुम कहते हो गधे का बच्चा, तो शायद तुम भी गधे के बच्चा होगे। फट से बोल दिया, जज कुछ भी नहीं कह सका। तो समझा ना, कोर्ट कह नहीं सकता, उसने उनको क्यों बोला? उसने तो उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया, कुछ नहीं किया। नहीं तो बाप बैठ करके समझाते हैं, तुम जो यहां बैठे हुए हो वो वास्तव में सत्संग है, वो भक्ति मार्ग का सत्संग तो नहीं है ना, क्योंकि अभी तुम ईश्वर के दर पर हो। कहते भी हे भगवान, हम तेरे दर पर आए, इंसाफ के लिए आए हैं, तो बरोबर तुमको इंसाफ यहां ही मिलता है। तुमको अभी हम इंसाफ देते हैं। कौन सा इंसाफ देते हैं? ये इंसाफ देने वाला सुप्रीम जज भी है ना, सुप्रीम सोल है। कहते हैं बच्चे, अगर आप तुम मेरी मत पर चलेंगे तो तुम सचखंड का मालिक बनेंगे, और तुमको जो भी है वो इंसाफ की बातें नहीं सुनाई है, बिल्कुल नहीं, एकदम झूठी बातें सुनाई है, और ऐसी बातें करके तुमको एकदम बिल्कुल ही भरतनाट्य को कौड़ी बना दिया, आसुरी संप्रदाय बना दिया। अभी हम तुमको ये लक्ष्मी नारायण बनाता हूं। बाबा ने तो बहुत दफा बच्चों को कहा है, बच्चे ये लक्ष्मी और नारायण का चित्र लो,
शिव बाबा तो साथ में है ही। ये सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण, इनको ये कर्म किसने सिखलाया जो ये लक्ष्मी नारायण बना? अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति सो जरूर नरक है, यानी कलयुग के अंत में ही होगी ना, जो इनको ऐसा कर्म सिखलाया। जरूर जो सतयुग के आदि में है सो कलयुग के अंत में आया होगा। जिन्होंने सतयुग के नारायण को भी सिखाया होगा और फिर इनको भी, सिवाय ईश्वर के तो इनको कोई इतना बना नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग का मालिक बनाए रहे हैं, स्वर्ग का रचयिता है ईश्वर। जरूर इनको ईश्वर ने ये पद दिलवाया है। कैसे दिलाया, कब दिलाया, कोई भी नहीं जानते। ये बात पूछ तो सकते हो ना, मीठे बच्चे, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र लेकर के शिव बाबा भले न हो और हो भी, वो भी ले लो, शिव बाबा का भी लो, त्रिमूर्ति का भी लो, हम तीनों बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण का, शिव का ऊपर में, फिर त्रिमूर्ति का, क्योंकि शिव बाबा किस द्वारा बनाया? जरूर ब्रह्मा द्वारा ही बनाएंगे ना। इनको हैं, कौन से नारायण की बात हो रही थी? सतयुगी नारायण की बात हो रही थी। तो शिव बाबा जरूर ब्रह्मा द्वारा ही बनाएंगे। कौन से ब्रह्मा द्वारा? ब्रह्मा को तो चार पांच सिर भी दिखाते हैं, और जो 33 साल के अंदर ही ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, उस ब्रह्मा की तो बात ही नहीं। तो फिर कैसे आएंगे लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए? किसके तन में आवेंगे? 23:10-23:63 की वाणी का छठा पेज, वो तो गाया जाता है, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना। वो ब्रह्मा तो गया, देवी देवता तो कोई बना नहीं, तो कौन से ब्रह्मा की बात है? आदि ब्रह्मा तो आदि में हुआ। तैतीस साल के बाद जिसने शरीर छोड़ा वो तो आदि का नहीं, और आदि वाला जो आदि में हुआ तो आदि में कहां बनाया? कहते हैं शंकर द्वारा आसुरी अनेक धर्मों का विनाश। फिर कौन रह गया? अनेक धर्मों का विनाश तो कौन से धर्मों का विनाश? जिस ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, उस ब्रह्मा की गोद में जो अनेक धर्म वाले पले,
जो द्वापर युग से और धर्म में कन्वर्ट हो गए, आधार मूर्त बनते हैं, उन अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है। तो जो स्थापना करेंगे ब्रह्मा और उनकी औलाद, तो कौन सा ब्रह्मा? जो देवी देवता धर्म की स्थापना करेंगे और फिर उनकी औलाद भी तो देवी देवता बनती है, तो ही तो फिर देवता बनेंगे ना। चार पांच ब्रह्मा के मुख दिखाते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की ही बात है। सूक्ष्म वतन में तो देवी देवता धर्म स्थापन नहीं होगा ना। अभी कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं तो भी क्यों तुम लोग ऐसे बाप को फारकती दे देते हो, प्रतिज्ञा करते हो कि तुम्हारे बिगैर हम किसको भी याद नहीं करेंगे, हम आपस ही बुद्धि का योग लगाएंगे और आप पर ही बलिहारी जाएंगे। बलिहारी का मतलब ये नहीं कि अपना घर घाट ले आकर के यहां फेंक दो, बाबा कहते हैं बच्चे अपने धन दौलत और शरीर का ट्रस्टी बनो, यानी अपन को आत्मा समझ करके जब तक ये पुराना शरीर और सब छूटे तब तक ट्रस्टी बने रहो और बुद्धि का योग बाप के पास रखो और बुद्धि का योग वर्षे में रहे बस। और बाबा क्या कहते हैं, अभी क्या सबको ये निश्चय है कि हम दादा और बाबा के बच्चे हैं और कोई थोड़े ही बैठ सकेंगे? भले अभी बैठे हैं परंतु आगे चल के नहीं बैठ सकेंगे। अभी इस समय में हम उनके घर में बैठे हुए, पीछे भले तुम बाहर में चले जाएंगे, वहां तुमको दादा मिलेगा, बाबा मिलेगा, दादा मिलेगा, बहन मिलेगी, भाई मिलेंगे, मिलेंगे ना। यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ तुम बहन भाई हो क्योंकि ब्रह्मा की औलाद हो और शिव बाबा के पोत्रे पोत्री हो, और तो कोई नहीं है। जो यहाँ बैठे हुए हैं वही है। अगर कोई छिपा हुआ बैठा होगा और कोई ने उसको लाया होगा तो वो जाकर के पत्थर बुद्धि बन जाएगा। कौन? जो लाया होगा वो, या जो छुपा हुआ बैठा होगा वो? इंद्रप्रस्थ में कोई सब्जपुरी कोई चरिए खरिये को ले आई, वो भिखारी था ना, लक्ष्य तो नहीं लिया ना निर्भिकारी बनने का, तो मालूम पड़ गया उनसे बदबूएं आने लगी, मुख से ग्लानी निकलने लग पड़ी, तो पूछा भाई
यहां ही बदबू क्यों आती है? ये माउंट आबू नाम क्यों पड़ा? आबू रोड से आते हैं ना, वाइब्रेशन की बात है, तो झट उनको पता पड़ा, बोला कोई एक आया हुआ है। अरे बताओ किसने लाया इनको, पकड़ो निकालो इनको बाहर। तो बरोबर निकल गया। आगे चल करके यहां बहुत जांच करेंगे तो ऐसे निकल पड़ेंगे, क्योंकि फिर उनको पकड़ेंगे ना। निकालो, ये कौन लेकर के आई है उनको? कहेंगे ये ब्राह्मणी लेकर आई है। गेट आउट, निकालो, इनको इतना अकल ही नहीं है। तुम यहां इंद्रप्रस्थ में एक पतित को ले आई हो, लज्जा नहीं आती है तुमको? शर्म नहीं आती? जाओ देखो, ये कायदा है ना, बरोबर कायदा है। कोई भी पतित को यहां बैठना भी नहीं है, नहीं तो अगर छिपा हुआ होगा तो वो और भी दुर्गति को पाए लेगा। देखो छिपा हुआ था, अमृत पीता था, तो उनका क्या हाल हुआ होगा? एकदम दुर्गति को पाया होगा। कहां की बात सुनाई? भक्ति मार्ग की बात सुनाई? अमृत बांटा, छिप करके आए बैठ गया तो क्या दुर्गति हुई? सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, मन बुद्धि अलग हो गई। भले बच्चे यहां बैठे हैं जिनको पूरा निश्चय नहीं होता है, परंतु ये तो समझने की बात है ना। अगर नहीं होते हैं तो भला इनसे पूछो ना, हम पूछेंगे तो सब हाथ लट उठाएंगे। अरे भाई जिनको निश्चय है, बरोबर हम बाप दादा के आगे पुत्र और पुत्रियां बैठे हैं, सोई हाथ उठाओ ना। देखो यहां सब हाथ उठाएंगे, हम सबको देखता हूं। देखो हमारी एक लैंड लेडी नहीं उठाती है, क्योंकि उनको निश्चय नहीं है। अभी देखो कोई लंदन देख करके आए तो उनकी बात माननी चाहिए ना, कि लंदन में ऐसा था। जरूर बच्ची, ये तो मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, हमारी बुद्धि में नहीं बैठता है, क्योंकि हमारी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब ये ताला किसने लगाया? रावण माया ने लगाया, इसलिए हमारी बुद्धि में नहीं बैठता है। नहीं बैठता है तो गोया शूद्र संप्रदाय है। ऐसे जिनको निश्चय नहीं है
उनके घर में बाप आकर के बैठा हुआ है, बच्चे बैठे हुए हैं, लैंडलेडी को पता ही नहीं है। अब ये वंडर तो देखो, परंतु ये बच्ची है बहुत मीठी, परंतु तकदीर, निश्चय के बगैर विजय कैसी होगी। तुम लोगों को थोड़ा ही मानती है कि तुमको यहां आकर के ईश्वर के बने हो, ये समझती है ये भी आसुरी संतान है, क्योंकि जो जैसा है जैसी दृष्टि वैसी उनकी सृष्टि। परंतु नहीं, समझती भी है कि कुछ है, परंतु हमारी बुद्धि में नहीं बैठता है। देखो ये भी वंडरफुल बात है, मनुष्य के बुद्धि पर भी वंडर खाना होता है। अच्छा आज तो टाइम हो गया, टोली ले आओ। फिर बोला, इस लैंड लेडी के पास जब आते हैं तो वो कहती है मुझे निश्चय है पर मेरे में ताकत नहीं है कि बाप से वर ले सकूं। अरे भाई ऐसे भी कोई बच्ची होगी जो कहेगी बेहद के बाप से बेहद की सृष्टि का वर नहीं ले सकती हूँ, यानी वर्षा नहीं ले सकती हूँ। उसको क्या कहेंगे? देखो मूर्खों की भी कोई हद होती है। यहाँ तो बेहद के बाप बेहद के मूर्ख हैं। रिकॉर्ड चला, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है ये, इनकी महिमा है। भगवान जो मनुष्य को अपने पाप और पुण्य का फल देते हैं, इसलिए इनका घर है इंसाफ का घर है। 23:63 की वाणी का 7वां पेज, यानी जैसे कोर्ट या हाई कोर्ट होता है तो इंसाफ का घर है ना, अभी ये धर्मराज की भी कोर्ट है, ये वो ही है जो मनुष्य को जो पाप करते हैं उनको पाप की सजा देते हैं। जो पुण्य करते हैं उनको पुण्य का फल देती है। कौन कौन देते हैं? कौन है धर्मराज? किसकी तरफ इशारा किया है? यह वो ही है। यह किसको कहा है? जो पुण्य करते हैं उनका फल देते हैं। अभी वो यहाँ आकर के स्वयं खुद हाजिर हुआ है और सब राज अच्छी तरह से बताए देते हैं। जो श्रीमत पर चलेंगे जरूर पुण्य आत्मा बनेंगे, मेरी मत पर न चलने वाले कदाचित पुण्य आत्मा बन नहीं सकते हैं, स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकते हैं। तो देखो यहां से इंसाफ मिल रहा है, बाकी कहां भी जाओ साधु संत हो व कोई भी इंसाफ मिल नहीं सकता। और ये उल्टा नीचे में फटकाई देते हैं और ही नरकवासी बनाए देते हैं। जानते हैं यहां भी नंबर बार बैठे हुए हैं, भले हाथ उठाते हैं, वो खुद कहते हैं कि बाबा
हम जरूर आपके बच्चे हैं, परंतु माया पूरा जीत नहीं पहनने देती। घड़ी घड़ी माया हमको थप्पड़ मारती है। हम कहते हैं बाबा हमको माया से छोड़ाओ, ये माया बहुत थप्पड़ लगाती है, इनको कहो कि हमको थप्पड़ न लगाए। तो बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये उस्ताद बैठा हुआ है ना, उस्ताद थोड़े ही कहेंगे कि नहीं ये माया इनको उंगली बंगली नहीं लगाना। कभी तुम बच्चों ने मल्लयुद्ध देखा है? अभी योग लगाने की तो बात ठीक है, माया की क्या ताकत है जो मुझे कुछ भी थप्पड़ मारे। फिर भी अगर थप्पड़ मार देती है, देखो लव और कुश की आखानी है ना, बहन और भाई वास्तव में दो बच्चे हैं, परंतु बच्चे तो सभी हो। ये जब कुछ हारते थे तो उनको संजीवनी बूटी सुंघाई देती थी। कौन हारते थे है? अरे राम लक्ष्मण की कहानी है ना, कथा है, तो कौन हारा, किसको संजीवनी बूटी सुंघाई? लक्ष्मण हारा, तो उनको संजीवनी बूटी सिखाई सुंघाई। तो दोनों जैसे के भाई बहन हो गए। कौन हुआ भाई और कौन हुई बहन? अभी तो तुम भाई भाई हो बोला, तो किसकी बात है, किसकी तरफ इशारा है? कौन राम है कौन लक्ष्मण है? लक्ष्मण कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो जब ये हारते थे, बेहोश हो जाते थे, तो उनको संजीवनी बूटी सुंघाते थे। कहां की बात, कब हार गए हैं? अरे शरीर छोड़ा तो माया से हार गए ना, तो अभी संजीवनी बूटी सुंघाए रहे हैं ना। संजीवनी बूटी कहां से लाई गई? ऊंचे पहाड़ों से लाई गई। क्या मतलब? याद की ऊंची स्टेज पर जब आत्मा चढ़ती है तो ज्ञान की संजीवनी बूटी आती है। ये संजीवनी बूटी है ना, इस ज्ञान को संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। बेहोशी हो जाती है, फिर उनको ज्ञान की बूटी सुंघाओ, तो बूटी सुंघ करके फिर खड़े हो जाते हैं, फिर रिकॉर्ड बजा। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कह दे, तुझे किस बात का डर है? अच्छा सबको टोली मिल गई है, जो कुछ भी बच्चे के दिल में आए वो आकर के बताए। यहां है इंसाफ का घर? उन सत्संगों में ऐसे कहते हैं क्या कि किसी के दिल में अगर कोई अनिश्चय की बात आती हो तो उठ करके बताए?
वहां तो इंसाफ का घर नहीं होता है और यहाँ यहाँ ये इंसाफ का घर है। बाबा इंसाफ देते हैं और दूसरे साधु संत महात्मा साफ धोखा देते हैं। देखो बाप कहते हैं ना, और तुम्हारी उस गीता में जाकर के देखो जो गीता मनुष्यों ने बनाई है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि मैं आता हूं तो साधुओं का भी उद्धार करता हूं, साधुओं को भी रक्षण देता हूं, लिखा है ना, परित्राणाय साधुनम। किससे परित्राण करता हूं है? वो तुम्हारी लड़ाई में है कि कन्याओं द्वारा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वगैरह वगैरह को ज्ञान बाण मारे हैं और उन्होंने कहा है कि बरोबर परमपिता परमात्मा के ही ज्ञान बाण इनमें भरे हुए हैं। परमपिता परमात्मा के ज्ञान बाण भरे हुए थे किसमें? इसको सामने करके ज्ञान बाण मारे हैं? क्या नाम था हैं? आधा टाइम कन्या बन जाती थी, आधा टाइम पुरुष बन जाती थी। तो किसका पार्ट है? पुरुष बन जाती थी माना रुद्रमाला का मण का, और फिर किसी के आगोश में आ जाती थी, किसी के प्रभाव से प्रभावित हो जाती थी। रावण के प्रभाव से प्रभावित भी होते हैं ना, तो क्या बन जाती थी? अबला बन जाती थी कि सबल बनी रहती थी? अबला बन जाती थी। तो तुम जाकर के देखो अपने उनको, तो बाबा कहते हैं ना गीता में 5% आटे में लून है, बाकी सब झूठ है, गपोड़े ही गपोड़े हैं। और गीता में सर्वव्यापी कहना, ये लंबा चौड़ा एकदम गपोड़ा है, कचरा है। तो सब मनुष्यों की गीता में कहीं भी सर्वव्यापी शब्द आया है? आया है, है? सर्वव्यापी शब्द तो नहीं आया है, लेकिन अर्थ अर्थ सर्वव्यापी का लगा ही दिया। विभु का अर्थ है सर्वव्यापी लगाई दिया, वि माने विशेष रूप से, भू माने उत्पन्न होने वाला, जो सामान्य रूप से मां के पेट से जन्म नहीं लेता है, विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, वो अर्थ है विभु का है। परंतु उल्टा अर्थ लगाई दिया, एकदम कचरा है ना। बाकी ये तो लिखा हुआ है ना कि कन्या द्वारा बाण मरवाए हैं? उस कन्या का नाम क्या दिया है? शिखंडी,
शिखा माने चोटी, अंडी माने आत्मा। कैसी अंडी रूप वाली आत्मा है? कैसा ब्राह्मण? चोटी का ब्राह्मण। तो लिखा हुआ है कन्याओं द्वारा बाण मरवाए। अभी वो बाण तो स्थूल नहीं है ना। देखो रामचंद्र को भी बाण दे दिया है। अभी इस बाण का अर्थ तो कोई समझते ही नहीं है। बाण किसी को लगता है तो क्या कर देता है? घायल कर देता है। अब यहां देह की तो कोई बात ही नहीं है। कौन घायल होती है? देह का ज्ञान बाण से घायल कौन होती है? आत्मा घायल होती है या देह घायल होती है? आत्मा घायल होती है। नाम भी क्षत्रिय पड़ा हुआ है। क्या क्या नाम है? क्षत्रिय। सीढ़ी के चित्र में देखो, लक्ष्मी नारायण को छत्र दिखाया है? दिखाया है? नहीं दिखाया है। और राम सीता को छत्र दिखाया है। क्या मतलब हुआ? माना ऐसे ज्ञान बाण चलाने वालों को जो आसुरों की आसुरियत का विनाश करते हैं, उनको घायल कर देते हैं, उनके ऊपर छत्र दिखाया गया है। माना छत्र छाया है। किसकी छत्र छाया है? भगवान बाप की छत्र छाया है। तो देखो क्षत्रिय नाम पड़ा, परंतु कोई वायलेंस वाला क्षत्रिय थोड़े ही है, हिंसा करने वाला क्षत्रिय थोड़े ही है। ये तो नॉन वायलेंस अहिंसक क्षत्रिय है। बरोबर इस युद्ध में माया पर जीत पहन न सके, इसलिए क्षत्रिय कुल कहलाता है। अब कोई दुनिया में ऐसा है जो माया के युद्ध में जीत पहन सका हो? यज्ञ के आदि से लेकर के 72 साल पूरे हुए, अभी तक किसी ने जीत पाई है? पाई कोई है? कोई नहीं। तो नाम क्या दे दिया? क्षत्रिय। इनके ऊपर छत्र छाया है कि तुम्हारी जीत हो जाएगी, भले तुम घायल करते हो। कैसे? भगवान के दिए हुए ज्ञान बाणों से तुम घायल करते हो। ये क्षत्रिय कुल है, नहीं तो सतयुग का कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो त्रेता में आकर क्षत्रिय न बनता हो। ये सूर्यवंशी, वो चंद्रवंशी, ये सतयुग के देवी देवता, वो त्रेत क्षत्रिय, द्वापर में वैसे कलयुग में शूद्र। ये जो नाम लगे हुए हैं, कोई फालतू नाम थोड़े ही लगे हुए हैं। अच्छा बाप दादा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ये बाबा को भी कहना पड़ता है। क्या? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और बाकी भले जो कोई न भी समझते हैं, फिर भी तो हमारे बच्चे हैं,
कोई जानते हैं, कोई अधूरा जानते हैं, कोई बिल्कुल नहीं जानते, फिर भी बच्चे तो है ना, यानी परमपिता परमात्मा उनके बच्चे तो सब हैं, ये तो जरूर मानेंगे ना। बाकी ये जरूर है जब आते हैं तब सभी तो नहीं जान जाएंगे, अगर सब जान जाएं तो सब बच्चे वारिस बन जाएं और सभी स्वर्ग में पहले घुस पड़ेंगे। अब जो पहले पहले स्वर्ग तैयार होता है उस स्वर्ग में थोड़े ही इतनी जगह मिलती है, सभी शास्त्रों में उसका गायन है। क्या गायन है? 33 करोड़ या 10 करोड़ वाले स्वर्ग का गायन है, या आदिकालीन स्वर्ग का गायन है जिसे शास्त्रों में कहा गया है बैकुंठ। मुसलमान लोग कहते हैं जन्नत, क्रिश्चियंस कहते हैं पैराडाइज। तो ऐसे पैराडाइज में सबको जगह नहीं मिल सकती। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे से किल्ली बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग ओम शांति।